सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे सीएम योगी। नगर निगम के निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी करेंगे निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी। अयोध्या जमीन घोटाले पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही अब कांग्रेस की सियासत भी शुरू। जमीन घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में करेगी प्रदर्शन। प्रदर्शन के साथ ही ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। मुख्तार अंसारी की आज होगी पेशी। शस्त्र लाइसेंस के मामले में पेश होगा मुख्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मुख्तार अंसारी की पेशी। फिलहाल बांदा की जेल में बंद है मुख्तार। यूपी में मॉनसून के प्रवेश के साथ ही झमाझम बारिश। पूर्वांचल, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में आज भी बारिश की संभावना। कई इलाकों में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे समीक्षा बैठक। अपनी तरफ से की गई घोषणाओं को लेकर सीएम करेंगे सचिवालय में समीक्षा। अलग अलग अधिकारियों से सीएम करेंगे बातचीत। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद जारी है गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज भी कोई परिवार ऐसा है जिसे गरीबी के चलते 10 दिन तक खाना नसीब नहीं हुआ? यह सवाल बहुत ज्यादा चुभने वाला है, लेकिन यह सच है। मामला अलीगढ़ का है, जहां पर लॉकडाउन और भूख से बेहाल एक परिवार अस्पताल में भर्ती है। इस परिवार में एक महिला और उसके 5 बच्चे हैं। बच्चों के पिता को पिछले साल कोरोना के चलते उसकी मौत हो गई। परिवार ने बताया कि 3 महीने से वो खाने के लिए परेशान है। पड़ोसी अगर खाने के लिए कुछ दे देते हैं तो उसी से गुजारा चल जाता था, लेकिन हालात अब ऐसे बन गए कि पिछले करीब 10 दिनों से उन्हें भूखा ही रहना पड़ा। और उनका कहना है कि वो पानी पी पी कर सो जाते थे। तबीयत खराब हुई तो पूरे परिवार को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला ने बताया कि जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी उस पर ताला लग गया था। 20 साल का बड़ा बेटा भी मजदूरी करता था, लेकिन दूसरी बार लॉकडाउन के चलते उसका काम भी बंद हो गया। धीरे धीरे परिवार के लोग कमजोर और बीमार होते चले गए और अब सबको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिलहाल डॉक्टर इस परिवार की निगरानी कर रहे हैं। 3 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। और आपको लगेगा कि सरकार सबको फ्री राशन दे रही, तो इनको राशन क्यों नहीं मिला? दरअसल जब अलीगढ़ के जिलाधिकारी से एबीपी गंगा ने बात की तो उन्होंने ये बताया कि इस परिवार के पास ना तो आधार कार्ड है ना ही राशन कार्ड, जिसके चलते इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। 3 महीने से हालत खराब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ले, 2 दिन ना है, 4 दिन ना है, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही, पड़ोसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हैं। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है।